नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। वाकई कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अगर पुलिस किसी गुनहगार तक पहुंचना चाहे और उसके इरादे मजबूत हो तो फिर कोई मुजरिम उसकी पकड़ से बच नहीं सकता। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको एक ऐसे शातिर अपराधी के बारे में बताएंगे जिसे हिंदुस्तान के कई राज्यों की पुलिस को तलाश थी, जिस पर भारी इनाम था, जिस पर हीनियस क्राइम करने के मामले थे, जिसका नाम तो भोला था लेकिन अपराध की दुनिया में वो गजब का गोला निकला। लेकिन वो पुलिस की पकड़ से दूर था। लेकिन इस बार राजस्थान की जयपुर पुलिस के सितारे चमक रहे थे और ये शातिर बदमाश जयपुर पुलिस के चुंगल में आ गया। जयपुर पुलिस इस बदमाश तक कैसे पहुंची ये जानकर भी आप हैरान रह जाएंगे। अब इस तस्वीर को देखिए। अस्पताल के बेड पर मरीज के तौर पर लेटा हुआ ये शख्स है रवि उर्फ भोला। नाम अच्छा है लेकिन इसकी करतूतें ठीक नहीं। इस शातिर के बारे में बताया जा रहा है कि यह पंजाब, दिल्ली और हरियाणा समेत कई राज्यों का मोस्ट वांटेड है। पुलिस को इसकी तलाश है। इस पर 5 लाख का इनाम भी बताया जा रहा है। करीब आधा दर्जन हत्या की वारदातें, 3 लोगों को जिंदा जलाने की वारदात, हथियार तस्करी समेत कई गंभीर अपराध इसके सिर पर है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर जयपुर पुलिस के हत्थे ये बदमाश कैसे चढ़ा। बताया जा रहा है कि हाल ही में राजस्थान से बाहर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान मोस्ट वांटेड रवि को गोली लगी थी। गोली लगने के बाद रवि राजधानी जयपुर के एक निजी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा था। गोली रवि के पेट में लगी थी। उसके बाद वह चोरी छिपे जयपुर के वैशाली नगर के एक निजी अस्पताल में पहुंचा और नाम बदलकर अपना इलाज कराने लगा। लेकिन पुलिस को मुखबिर से उसके बारे में सूचना मिल गई। अब खबर जब पुलिस के पास पहुंची तो वो भी हरकत में आ गई। इलाके के एसीपी हरिशंकर शर्मा, जिला स्पेशल टीम के इंचार्ज नरेंद्र खीचड़ ने कुछ पुलिसकर्मियों के साथ इस अस्पताल पर धावा बोल दिया। चूंकि इस बदमाश ने अपना नाम भी अस्पताल में गलत लिखवाया हुआ था लेकिन पुलिस तफ्तीश के आगे वो छुप ना सका। बताया तो ये भी जा रहा है कि भोला के 2 साथियों ने इसे इस अस्पताल में दाखिल कराया था लेकिन उसके बाद वो भी फरार हो गए और अब पुलिस के लिए टास्क ये भी कि वो उनका भी पता लगाए। दरअसल जब पुलिस इस अस्पताल पहुंची तो बदमाश से पूछताछ की लेकिन ये खुद की पहचान छुपाता रहा। पुलिस को इसकी बातचीत और दूसरे तरीकों से शक हुआ। इसके तस्वीरों को दूसरे राज्यों के पुलिस अधिकारियों को भेजा गया तो फिर ये साफ हो गया कि जनाब ये तो वही कुख्यात बदमाश हैं जिसे कई राज्यों की पुलिस तलाश रही थी। कुख्यात बदमाश रवि के खिलाफ राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, यूपी और हरियाणा में आधा दर्जन हत्या किए जाने के आरोप हैं। वहीं लूट, डकैती और मारपीट, रंगदारी हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में भी वह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में करीब 50 से ज्यादा मामलों में वांछित चल रहा था, यानी मोस्ट वांटेड था। इतना ही नहीं, आरोपी ने दिल्ली में एक बदमाश को हॉस्पिटल से फायरिंग कर छुड़ाने में भी अपनी भूमिका अदा की थी। और बताया तो ये भी जा रहा है कि आरोपी रवि लॉरेंस विश्नोई ग्रुप से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि इस पूरी कार्रवाई के बीच जयपुर कमिश्नरेट के पश्चिम जिले में जिला स्पेशल टीम के हेड कांस्टेबल मनेंद्र सिंह और कांस्टेबल भाग्यवर्धन की भी तारीफ करनी पड़ेगी, जिनकी मुखबिरी से जयपुर पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हासिल हुई। आपको यह भी बता दें कि गिरफ्तार रवि यादव उर्फ भोला हरियाणा में झज्जर का रहने वाला है। वह झज्जर में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या करने, पंजाब में मर्डर केस, दिल्ली के सफदरगंज में कुख्यात अपराधी नरेश सेठी को पुलिस हिरासत से भगाने और फरीदाबाद में काला जिठेड़ी को भगाने की वारदातों के अलावा सिरसा हरियाणा में 3 लोगों को जिंदा जलाने की वारदातों में भी वांटेड है। उस पर अलग अलग राज्यों में नाम घोषित है। आरोपी रवि का नरेश सेठी गैंग, काला जेठेडी गैंग और लॉरेंस विश्नोई गैंग से भी संपर्क है, ऐसा बताया जा रहा है। बहरहाल वकील पुत्र प्रेम कुमार के नाम से, यानी नकली नाम से, जाली नाम से अस्पताल में दाखिल हुए इस बदमाश की पूरी कुंडली अब जयपुर पुलिस निकाल रही है। चूंकि गोली लगने से हालत ज्यादा ठीक नहीं इसलिए बयानों का दौर भी लंबा नहीं चल सका है फिलहाल। लेकिन इसके पकड़े जाने के बाद अब दूसरे राज्यों की पुलिस टीम ने भी जयपुर का रुख कर लिया है। जाहिर है भोला के कारनामों की अब पूरी कुंडली तैयार होगी। कई राज्यों की पुलिस को छकाने वाले इस शातिर को पुलिस अब अपने हिसाब से उगलवाएगी।
क्योंकि सही तो ये भी है कि किसी की जिंदगी छीनने का अधिकार तो किसी भी अपराधी के पास नहीं, और इस पर तो 3 लोगों को जिंदा जलाने का मामला भी है। और आखिर में एक बार सलाम है जयपुर पुलिस को, जिसने कई राज्यों की पुलिस की चिंता खत्म कर दी। सलाम है उन पुलिस कर्मियों और अन्य अधिकारियों को जिनकी सतर्कता से ये शातिर शिकंजे में चढ़ सका। नमस्कार।